जय हिंद दोस्तों। फुटबॉल बहुत ही रोमांचक खेल है। 22 लोग जब फुटबॉल फील्ड पे 90 मिनट के लिए खेलते हैं तो एक भी मोमेंट ऐसा नहीं होता जो डल होता है। लेकिन इंडिया में ये गेम कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर पाया। इसके पीछे कई कारण हैं। बढ़ावा नहीं दिया गया, क्रिकेट को भी कुछ लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं इस डाउनफॉल के। जो एक टाइम पे मोहन बगान और ऐसी टीम्स, जो क्लब्स जो होते थे, इतने फेमस थे, पर उनको वो ऊंचाइयां नहीं मिल पाई जो क्रिकेट में हमें देखने को मिलती है। फीफा में हमारी रैंकिंग हमेशा पीछे रहती है और कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं एक वर्ल्ड लेवल पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना फुटबॉल में। बाकी खेलों में हम धीरे धीरे प्रॉस्पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन फुटबॉल उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, भले ही इंडियन सुपर लीग और इस टाइप की कोशिशें की गई। और अभी रिसेंटली एक नया झटका, हाल फिलहाल में ही एक और मिला है कि फीफा, जो वर्ल्ड फुटबॉल का रेगुलेटरी कमेटी है, उसने जो है फुटबॉल फेडरेशन ने इंडिया की जो मेंबरशिप रद्द कर दी। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्या ऐसे रात को उठे अगले दिन और बंद कर दी, ऐसा तो नहीं होगा, क्या रीजन है इसके नीचे अंडरलाइन, सारा जानेंगे इस पॉडकास्ट में। और कितना करप्शन और पावर सेंट्रिक ये होते हैं स्पोर्ट्स कमिटीज, इसके बारे में एक बार बात करेंगे। और बने रहिए एंड तक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट क्या हो रहा है, ये फीफा ने हमें क्यों सस्पेंड किया है अपनी मेंबरशिप से। तो ट्यूसडे को फीफा की जो काउंसिल है, उन्होंने यूनिनियमसली, यानी कि सबने, कोई अगेंस्ट नहीं था इसके, सबने मिलके ये वोट किया कि इंडिया की मेंबरशिप रद्द करनी जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो अक्टूबर में इंडिया को होस्टिंग के लिए राइट मिला हुआ था अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप का, वो भी इंडिया के हाथ से चला गया, जो अक्टूबर में होनी थी ये चीज। और अब फीफा के अगर मेंबर ही नहीं है कंट्री, तो फिर वहां पे क्यों करेंगे। तो ये चीज एक हो गई है। साथ ही साथ जितनी इंडिया की लीग्स थी, अब वो रिकॉग्नाइज नहीं रहेंगे फीफा के द्वारा। तो आज हम इस मुकाम पे कैसे आ गए, तो थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। जो AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो रिप्रेजेंट करता है इस खेल को इंडिया में, उसमें 13 साल से पिछले एक नया प्रेसिडेंट नहीं आया था। पिछले 12 साल, यानी कि फोर्थ ईयर टर्म होता है, पिछले 3 बार से प्रफुल्ल पटेल, जो पिछले 3 बार से, 4 ईयर टर्म्स, 3 मतलब, यानी कि टोटल 12 साल से वो प्रेसिडेंट रहे। वो तो ये हुआ कि जो स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया है उसमें मेंशन किया गया है कि आप चौथी बार नहीं आ सकते, इस वजह से प्रफुल्ल पटेल अगली बार प्रेसिडेंट नहीं बन पाए इसके, वरना पिछले 12 साल से एक ही बंदा इन सबको मैनेज कर रहा था। तो इस कारणवश जो है, जब 1 साल से यहाँ कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तो 18 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर की कमिटी बनाई और बोला कि आप इसको, AIF को डिसबैंड करिए और फिर से इसको जो है इस्टैब्लिश कीजिए ये 3 मेंबर कमिटी की देखरेख में। अब इस कमिटी में थे कौन कौन लोग, पुराने जज AR दावे, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरेशी और इंडियन मेन फुटबॉल टीम के एक्स कैप्टन भास्कर गांगुली। तो ये 3 लोगों की इन्होंने कमेटी बनाई और बोला कि भाई आप लोग इसकी देखरेख कीजिए, AIF को डिसबैंड कीजिए और नए सिरे से एक शुरुआत कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ तो फैंस में बहुत ही खुशी थी और लोगों में भी बड़ा उत्साह था कि चलो भाई ये पटेल जी के हाथ से गया, अब नई रिजीम आएगी, नए जोश के साथ नया काम होगा और काफी चीजें इंप्रूव होने के लिए होप की जा रही थी। तो जब नए सिरे से ये कमेटी बनी तो फीफा की तरफ से इंस्ट्रक्शन काफी क्लियर थी। उनका ये कहना था कि आप नए सिरे से इलेक्शन कीजिए, नए प्रेसिडेंट को चुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टैब्लिश कीजिए, जो आपका फेरबदल और जो पहले घोटाला चलते आया था उसको हटाइए, नए सिरे से सारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टैब्लिश कीजिए और जल्द से जल्द अपनी रिप्रेजेंटेशन AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन और फीफा में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजिए। लेकिन इस कमेटी ने भी कुछ उल्टा ही काम किया। इन्होंने एक 12 लोगों की एडवाइजरी कमेटी बनाई और उसमें बहुत सारे फेमिलियर फेसेस, यानी कि जो पहले भी इस कमेटी जो संचालक के पार्ट थे AIFF के, वही सेम लोग यहाँ पे आपको नजर आए, इंक्लूडिंग
जो है रंजीत बजाज, जिनका खुद का क्लब है और फीफा का काफी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मतलब अगर आप खुद जो है एक क्लब चलाते हैं या खुद आप उसमें स्टेक होल्डर हैं, तो आप जो है AIF यानी कि आपकी जो नेशनल गवर्निंग बॉडी है उसका पार्ट नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आप अपनी टीम को बढ़ावा देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। और न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए जो नेशनल लेवल को, स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, एक वहां पे न्यूट्रल लोग होने चाहिए। ये नहीं कि उनका कहीं एडिशनल इंसेंटिव है कुछ और करने के लिए। ये फीफा का क्लियर इंस्ट्रक्शन थी और उसकी वजह से इन्होंने उल्टा ही फिर उसके अगेंस्ट जाके ये काम किया जो नई कमिटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। बट इस खराब शुरुआत के बाद भी फीफा जो है ओवरलुक करने के लिए तैयार था, बेसिकली बैन नहीं करने वाला था इस वजह से इंडिया को। और जून से जो है ये कमेटी बहुत तेजी से अपना काम शुरू कर रखा था, नए इस बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स करना, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिप्रेजेंटेटिव स्टैब्लिश करना, काफी काम मीटिंग्स और सारी चीजें जो एक कमेटी को करनी थी वो इन्होंने स्टैब्लिश किया। लेकिन एक बैन की थ्रेट फीफा की साइड से हमेशा बनी रही थी, बिकॉज फीफा के इतिहास में उन्होंने काफी ऐसी फेडरेशन जो नेशनल लेवल फेडरेशन है उनको बैन किया था इसी वजह से कि आप थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए आपके नेशनल लेवल के रिप्रेजेंटेशन में। अब पिछले हफ्ते COA जो कमेटी थी उसको प्रूफ मिला कि प्रफुल पटेल फिर से 35 मेंबर एसोसिएशन जो है नेशनल लेवल पे उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं विद एक्सप्रेस इंटेंशन टू इन्फ्लुएंस द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स, जिस वजह से ये कमेटी काम कर रही थी और इसी वजह से फीफा ने जो है इंडिया को बैन कर दिया। अब इससे असर क्या हुआ, जैसे हमने पहले बात करी थी कि आपके जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप आप होस्ट करने वाले थे, दैट वाज अ बिग थिंग फॉर इंडिया, इंटरनेशनल लेवल का आपको एक्सपोजर मिलने वाला था, वो 2 महीने रहते रहते यानी अक्टूबर में ही है वो आपको हटा दिया गया उससे। आपकी जितनी लीग्स हैं उनको अनऑफिशियली अब रिकॉग्नाइज किया जाएगा, मतलब ऑफिशियली तो वो नहीं कर सकते क्योंकि आप मेंबर कंट्री नहीं है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो एक लिम्बो में है हमारी फुटबॉल की स्थिति, जो देश के खिलाड़ी हैं उनको पता ही नहीं है कि कितने मैचेस होंगे क्या होगा, ऑफिशियली आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आपकी लीग्स रिकॉग्नाइज नहीं हो रही हैं, आपको जो चांस था आप इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर लेने के लिए वर्ल्ड कप अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप से वो नहीं मिल पाया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद एक चीज जरूर नजर आती है कि अगर अब फीफा अगर इंडिया के भला चाहता है इंडियन फुटबॉल का, तो नए सिरे से अगर शुरुआत की जाए तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी पहले की इन्फ्लुएंस करने की, हर चीज कोई अपनी पावर गिव अप नहीं करना चाहता, पावर ऐसी चीज है जो सब पकड़ के रखना चाहते हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहता, सेम चीज यहां पे हमें नजर आ रही है। लेकिन इससे होता क्या है, जो खेल है जो खिलाड़ी हैं और जो देश है उसको नुकसान पहुंचता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, किस तरह से इंडिया में फुटबॉल को एक प्रचलित खेल बनाया जा सकता है और इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे अच्छी रैंकिंग पे लिया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है टैलेंट की कमी नहीं है, भाई चंगबूटिया से लेके सुनील छेत्री जैसे हमारे पास खिलाड़ी हैं, लेकिन रूट लेवल पे इनको अगर प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और इस तरीके की हरकतें नहीं हटाई जाएंगी तो मुझे नहीं लगता हम कहीं ले जा सकते हैं इस खेल को। आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो और ये पॉडकास्ट पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कैप्टन्स पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।